उत्तराखंड के हल्द्वानी से सामने आई जरा इन तस्वीरों को देखिए। ये तस्वीरें अपने आप में खौफ पैदा करने वाली हैं। नदी अपने उफान पर बह रही है, लेकिन इन सब के बीच कुछ लोग स्कूल में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों और महिलाओं के साथ अपनी जान जोखिम में डालकर नदी को पार कर रहे हैं। पहाड़ पर भारी बारिश के चलते नदी नाले उफान मार रहे हैं, भयंकर लैंडस्लाइड हो रहा है, लेकिन हल्द्वानी से महज 6 किलोमीटर की दूरी पर विजयपुर गांव के लोगों की जान हथेली पर आ गई है। तस्वीरों में कुछ लोग उफान मारती नदी के बीच से रास्ता पार कर रहे हैं। इनमें स्कूली बच्चे भी हैं तो महिलाएं भी हैं, लेकिन भारी बारिश के चलते प्रशासन के अलर्ट के बावजूद भी ये लोग अपनी जान को खतरे में डालकर नदी को पार क्यों कर रहे हैं, इनकी क्या मजबूरी है, चलिए बताते हैं आपको। दरअसल जिस नदी को ग्रामीण बच्चों के साथ पार कर रहे हैं वो सूखी नदी है। पहाड़ों पर लगातार बारिश के चलते सूखी नदी ने भी कहर बरपाना शुरू कर दिया है। रविवार को नदी उफान पर पहुंच गई। नदी का जलस्तर बढ़ने की वजह से यहां विजयपुर गांव का संपर्क कट गया। ग्रामीणों को गांव तक पहुंचने के लिए नदी को पार करना होता है। गांव में पढ़ाई के लिए महज 5वीं तक का स्कूल है, इसके बाद बच्चों को पढ़ने के लिए हल्द्वानी या फिर कुंवरपुर गोलापार जाना पड़ता है, इसलिए लोग बच्चों को अपने साथ नदी पार कराते हैं। लेकिन ये काफी जोखिम भरा है, क्योंकि अगर अचानक नदी में पानी का बहाव बढ़ गया तो कोई भी अनहोनी हो सकती है। खैर, ये कोई नई बात नहीं है, मॉनसून में बारिश के समय नदी का जलस्तर बढ़ जाता है और हर बार हालात इस तरह के ही देखने को मिलते हैं। इसलिए लोगों की मजबूरी हो गई है कि वो तेज उफान के बीच नदी को पार कर अपने घर तक पहुँचे। चलिए अब आपको इस विजयपुर गाँव के बारे में बताते हैं। दरअसल विजयपुर गांव में करीब 200 परिवार कई दशकों से रह रहे हैं। ग्रामीण कई सालों से नदी पर पुल बनाने की मांग कर रहे हैं, इसके लिए कई बार आंदोलन भी कर चुके हैं, लेकिन ना सरकार ना प्रशासन कोई भी इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है, जिसकी बदौलत गांव वालों को मॉनसून सीजन में इस तरह की मुश्किलें उठानी पड़ती हैं। कई बार बड़े हादसे भी हो चुके हैं, लेकिन सरकार फिर भी लोगों की नहीं सुनती। प्रशासन नदी का जलस्तर बढ़ने पर लोगों को सावधान तो करता है, लेकिन लोगों को मजबूरी में बाहर जाना ही पड़ता है। बच्चों की पढ़ाई हो, इलाज हो या फिर तमाम ऐसी जरूरतें हो जिसके लिए गांव वाले उफनती नदी को इसी तरह पार करते हुए नजर आते हैं। श्रेष्ठ उत्तराखंड पर खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें, बेल आइकन दबाएं और देखते रहें श्रेष्ठ उत्तराखंड।